कोरियाई प्रायद्वीप में भीषण जंग की आहट, ब्रेक करिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं यह खबर, ये देखिए, युद्ध की अंतिम तैयारी में जुटा उत्तर कोरिया। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, किम जोंग पर पलटवार के लिए तैयार दक्षिण कोरिया। ये देखिए जरा, दक्षिण कोरिया जंग साहब ने दिए संकेत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। चीन कर रहा है अमेरिका पर हमले का अभ्यास, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए वीडियो के साथ, अमेरिका से युद्ध अभ्यास का अभ्यास कर रहा है चीन। ये देखिए जरा, अमेरिकी वॉरशिप पर हमले की ड्रिल कर रहा है चीन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हूती ने दुनिया को फिर दी चेतावनी, ब्रेक करिए। लाल सागर में हमले की दी वार्निंग, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, जो अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमला करेंगे, हूती ने कहा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। लेकिन इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर यहां पर आई है, ये देखिए, विश्व युद्ध के करीब दुनिया। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर कोरिया की हमले की तैयारी, आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन अमेरिका के ऊपर हमले की तैयारी चल रही है, ये देखिए, अमेरिका से महाजंग। ये देखिए, सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए हमारे सामने तस्वीरें जो हैं। ये देखिए, अमेरिका से महाजंग, ये दिखाइए हमारे सामने जो चार तस्वीरें हैं। अमेरिकी शिप पर चीनी हमले की तैयारी नंबर वन, ये देख रहे हैं आप। फिर दूसरा देखिए, रेड सी, अमेरिकी शिप पर हूती के हमले। फिर देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों पर अटैक किया जा रहा है। उधर देखिए, इराक और सीरिया में यूएस के बेसिस पर अटैक किया जा रहा है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में सीधे आइए हमारी आज की बड़ी खबर, उत्तर कोरिया की हमले की तैयारी। बड़ी खबर, हथियार फैक्ट्री पहुंचे किम जोंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ कोरिया पर गोले दागने के बाद हथियारों की फैक्ट्री का दौरा विद द स्टिल्स, ये देखिए जरा। नॉर्थ कोरिया से बड़े हमले की आशंका बढ़ी, अपनी बहन के साथ पहुंचे हैं यहां पर ये। हमले से पहले पुख्ता तैयारी करना चाहता है उत्तर कोरिया, ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले की तैयारी में किम जोंग। ये शॉट देखिए, किस तरीके से किम जोंग अपनी बहन के साथ हथियारों की फैक्ट्री में पहुंचे हैं, वो भी तब जब उन्होंने इतने सारी शेलिंग कर दी है। सीधा आइए, इस सब के बीच में हमारी अगली खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो हमारी अगली खबर है कि कैसे दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिखाइए वो खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने शुरू कर दी है जंग की तैयारी, वो खबर दीजिए सामने। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण कोरिया ने दागे 400, कोरियाई प्रायद्वीप में भीषण जंग की आहट, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, युद्ध की अंतिम तैयारी में जुटा उत्तर कोरिया, विद द वीडियो दिखाइए जरा। किम जोंग पर पलटवार के लिए तैयार दक्षिण कोरिया। ये गोप्रो के साथ, ये देखिए बड़ी खबर, और मैं जाऊंगा इसके फ्लोर ग्राफिक्स के साथ, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जो किम जोंग पहुंचे हैं हथियारों की फैक्ट्री में, दिखाइए जरा। ये देखिए, बॉर्डर एरिया के नजदीक दोनों देशों की शेलिंग हुई है। नंबर वन, नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर के नजदीक 200 शेल दागे, ये खबर पुरानी है। साउथ कोरिया ने जवाब में समुद्री सीमा के नजदीक 400 शेल दागे। नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग ने हथियारों की फैक्ट्री का जायजा लिया। दोनों देशों ने बॉर्डर के नजदीक इलाकों को खाली कराया, साउथ कोरिया ने आप जो इलाका है वो भी खाली करा है। मैं जाऊंगा, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सेना सर के पास। सेना सर, पहले तो बहुत माफी, आपको इंतजार कराया, लेकिन भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत सूर्य के करीब, दुनिया विश्व युद्ध के करीब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं जो अभी हालात हो रहे हैं? जय हिंद निशान। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जब जब आप आते हैं, चाहे वो सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो या सूर्य को नमस्कार करने की बात, देखिए आप रहते हैं और ब्रेक करते हैं, तो आपको भी और पूरे भारत वर्ष को, आपने ये बहुत बड़ी बात कही। भारत का जो उदय हो रहा है, उदय केवल नहीं कि खगोल शास्त्र में या हम पूरे सौर्यमंडल के अंदर में जा रहे हैं, मंगल में जा रहे हैं, हम अपने मिशंस को ले जा रहे हैं, क्योंकि भारत इसका गुरु था, हम उसको पकड़ रहे हैं और सफलताएं ऐसी मिल रही हैं।
सफलता है, इसका दो कारण है। एक तो हमारा पुराना अपना इसके ऊपर में ज्ञान, और दूसरा जो एआई का हमारा लीडरशिप है, उसके कारण आप पहली बार में ही सफलता की सीढ़ी की उस ऊंचाई में पहुंच जाते हैं कि दुनिया को उसको पाने के लिए बहुत, और ये सब मानने लगे। और पूरे जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन जब आप बयान करते हैं, चाहे आप उसको वेस्ट एशिया में चाहिए, चाहे आप उसको जाते हैं साउथ चाइना सी में, चाहे इंडो पैसिफिक में जाते हैं, तो देखिए वर्ल्ड इज एट वॉर, पूरी दुनिया अपने को तबाह करने में लगी है, भारत उस होड़ में। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं सिन्हा सर, बी विद मी। आप बड़ी खबर, उकसा रहा है उत्तर कोरिया, ब्रेक करिए। आर्टिलरी हमले पर बोला दक्षिण कोरिया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर कोरिया को माकूल जवाब देंगे, विद द वीडियो दिखाइए जरा, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय का बयान। ये बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सिन्हा सर, क्या कोरियन पेनिनसुला में जंग के आसार दिख रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है सर, व्हाट इज योर टेक सर? देखिए एब्सोल्युटली समथिंग इज ब्रूइंग, जिस तरह से चीजें परिस्थितियां बली हैं और जिस तरह से अलाइनमेंट हो रही है, नॉर्थ कोरिया की कभी इतनी तगड़ी अलाइनमेंट रक्षा के साथ थी, स्ट्रेटजिक अलायंस है। और ये केवल इसलिए नहीं क्योंकि देखिए 38 पैरेलल को यदि हम लेते हैं, तो जो आपका नॉर्थ लिमिट लाइन है, आप 200, ये 2014 में भी हुआ था ऐसी फायरिंग, मगर उसके जवाब से, और ये जो द्वीप है जिसको योंग त्यांग का जो द्वीप है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके ऊपर वहीं से, क्योंकि उसकी ऑक्यूपेशन है साउथ कोरिया की, वहां से वो अपने हॉबिटर से और टैंकों से 400 गोला फायर करते हैं। अब आपने यही खबर दिया कि ये विजिट कर रहे हैं अपने उन फैक्ट्रीज को, जब वहां पर पुतिन साहब आए थे तो उस समय भी ये दिखा था, सेम रिचुअल, सेम अपनी सिस्टर के साथ इन फैक्ट्रियों को जाना। तो ये बहुत बड़ा ब्रूइंग है, और इसको यदि आप जुड़कर देखते हैं कि जो चल रही है वेस्ट एशिया के अंदर, और उसके पहले जो ईस्टर्न यूरोप में चल रहा था, जी, तो आप देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे शिफ्ट हो रही है। ताइवान का हमला, चीन की तैयारी, ये बहुत बड़ी खबर है। ताइवान का हमला, चीन की तैयारी, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या है, मैं आपको पहले दिखाने जा रहा हूं ये फाइव विंडो एक बार फिर से, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अमेरिका से महाजंग, अमेरिकी शिप पर चीनी हमले की तैयारी, ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए नीचे देखिए, रेड सी में हूती जो है किस तरीके से अटैक कर रहा है अमेरिका की शिप्स पर। यहां पर देखिए इराक और सीरिया में यूएस बेसिस पर अटैक हो रहा है, यहां पर देखिए यूक्रेन में अमेरिका के हथियारों पर अटैक हो रहा है। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर, ताइवान के नजदीक चीन की वॉर ड्रिल, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए ये लेटेस्ट वीडियो है, साउथ चाइना सी में चीन का युद्ध अभ्यास, ये देखिए जरा वीडियो देखिए, चीन के बॉम्बर्स फाइटर जेट की वॉर ड्रिल, इस वीडियो को शुरू से प्ले करिए। ये देखिए जरा, चीन ने दिखाई फाइटर जेट की ताकत, ये देखिए जरा लोकेशन में मेंशन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में चीन की तैयारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, चीन को जवाब देने की तैयारी में ताइवान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बड़ी मिलिट्री ड्रिल करेगा ताइवान, दोक्षा द्वीप में ड्रिल करेगा ताइवान। ये दोनों ब्रेकिंग में दोनों शॉट दिखाइए, दोक्षा को लेकर चीन से तरातरी, ये बड़ी खबर है। ताइवान की मिलिट्री ड्रिल होने जा रही है, चाइना ने ड्रिल शुरू कर दी है, लेकिन ये दोनों खबरें आपके सामने, ये देखिए जरा। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, चीन कर रहा है अमेरिका पर हमले का अभ्यास, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका से युद्ध का अभ्यास कर रहा है चीन, अमेरिकी वॉरशिप पर हमले की ड्रिल कर रहा है चीन, डेजर्ट में जारी है चीन का बड़ा युद्ध अभ्यास, तकला मकान डेजर्ट में डमी टारगेट बनाया। सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स दिखाइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स, अमेरिका से युद्ध की तैयारी में चीन, ये जानकारी आ रही है। साउथ चाइना सी और पैसिफिक में चीनी ड्रिल चल रही है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की डमी पर अटैक हो रहा है। मैं जाऊंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। ये देखिए तकला कमाकान में डेजर्ट में डमी टारगेट सेट किया गया है, अमेरिकी कैरियर जेराड आर फोर्ड की डमी टारगेट पर एंटी शिप और क्रूज मिसाइल से हमले की तैयारी चल रही है। यह बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट इसी खबर की दिखाइए बगल में। और यह देखिए वॉल, देखिए क्या तैयारी चल रही है अब डेजर्ट के अंदर, मतलब रेगिस्तान में। यह तस्वीर एक है, यह जो इनका वॉरशिप है उसको मारने की तैयारी चल रही है। यह देखिए, यह देखिए, ये देखिए, ये अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं उनको उड़ाने की तैयारी कर रहा है चीन। ये देख रहे हैं आप खबर की ग्रेविटी,
ये तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए, सीधे चलिए मेरे साथ। ब्रिगेडियर दत्ता सर जुड़े हैं सर, स्वागत है आपका, माफी चाहूंगा आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन पहले आपको बधाई। लेकिन ये सर क्या जरूरत है चीन को कि अमेरिका के ऊपर जो वॉरशिप है उनके ऊपर अटैक की प्लानिंग करे? सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। शांत देखिए, चीन को ये मालूम है कि अमेरिका किस कदर उसको घेर रहा है या किस तरह से वो चाइना को बैलेंस कर रहा है, तो चीन यकीनन चाहेगा कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वो कैसे काउंटर करे। और चीन ये भी जानता है कि अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसका चीन को अगर एक सुपर पावर बनना है तो उसको अमेरिका को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अमेरिका की जो रिसोर्सेज हैं उनको डेन्यूट करना पड़ेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उसने जितने भी इस तरह के टारगेट्स हैं उनको रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि आजकल के युद्ध में देखिए कोई ट्रेंच वॉरफेयर तो है नहीं, आजकल का तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और मिनट्स में और सेकंड्स में पूरी जो आपका लैंडस्केप है वॉरफेयर का। सर मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, प्लीज बी विद मी। दक्षिण चीन सागर में फिर से तनाव बढ़ चुका है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए हमारे दर्शकों को नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर ये देखिए, चीन लगातार कर रहा है मिलिट्री पेट्रोलिंग, ये देखिए जरा, पीएलए नियमित तौर पर करेगा सैन्य गश्त, चीनी नेवी और एयरफोर्स एक साथ कर रहे हैं पेट्रोलिंग, फिलीपींस से बढ़ते तनाव के बीच चीन की चालबाजी, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। ये बड़ी खबर, दक्षिण चीन सागर में नया वॉर फ्रंट, चीन और फिलीपींस के बीच बड़ा तनाव, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, चीन और फिलीपींस के बीच कई बार भिड़ंत हो चुकी है, पीएलए का साउथ थिएटर कमांड कर रहा है गश्त, ये बड़ी खबर है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने बनाई कई कृत्रिम द्वीप, ये देखिए दूसरे देशों के जल क्षेत्र में करता है घुसपैठ।